रात करीब 2 बजे लखनऊ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले रात 8 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई थी। बता दें कि 6 घंटे के भीतर 2 बार भूकंप के आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा पर बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बात करें तो 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं भय देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए रश्मि, जैसा आपने बताया कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे जो तेज झटके थे 6.3 रिक्टर पैमाने पर, वो रात्रि के करीब 1:57 पर आई है। और इस झटके का असर सबसे ज्यादा नेपाल में पड़ा है, क्योंकि ये जो केंद्र बिंदु था वो नेपाल ही था। और अभी तक जो जानकारी मिली है, नेपाल में इस भूकंप के झटके की वजह से कई घर गिर गए हैं और एक घर के गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जो हैं वो घायल हैं। इसके साथ ही नेपाल के कई अन्य इलाकों में भी भारी तबाही की सूचना आ रही है, क्योंकि जो मुख्य केंद्र था वो नेपाल ही था। नेपाल के साथ ही भारत के करीब 7 राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली समेत करीब 7 राज्य थे जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन अभी तक भारत के किसी भी हिस्से से या किसी भी राज्य से जान माल की क्षति की सूचना नहीं है, लेकिन नेपाल में काफी क्षति हुई है और 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ये जो झटके हैं भारत और नेपाल के साथ ही पाकिस्तान और चीन में भी महसूस किए गए हैं। और कहा जाए कि नेपाल, क्योंकि भूकंप की दृष्टि से ये काफी खतरनाक जोन में आता है, इससे पहले 2015 में भी भूकंप के कई झटके लगातार कई दिनों तक नेपाल में आए थे, जिसमें भारी पैमाने पर वहां नुकसान हुआ था। और इससे भी पहले की बात करें तो सबसे बड़ा अभी तक जो भूकंप का झटका है वो 1934 में आई थी, जिसमें नेपाल के साथ ही उत्तर बिहार में काफी क्षति हुई थी। तो आज जो झटके आए हैं वो इसमें नेपाल में 6 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल है। जी शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।